नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के करोड़ों की डील वाले कथित वायरल वीडियो पर बरसे कमलनाथ, जाने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीते हफ्ते से मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में बना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब वायरल वीडियो को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि तोमर के बेटे का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि उनके लिए सबसे पहले पार्टी और परिवार का हित है या देश हित। केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की 3 वीडियो अब तक सामने आ चुकी है। कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए के लेन देन से शुरू हुआ मामला अब 10,000 करोड़ रुपए तक के लेन देन तक पहुँच चुका है। इसमें मादक पदार्थों के व्यापार और कैनेडा से सीधा संबंध दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश नहीं करेगा माफ, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि ये मामला अब किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं है, बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसकी तत्परता से जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन दुख की बात ये है कि बीजेपी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में जारी हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर कोई एक शब्द तक नहीं बोल रहा। मैं आगाह करता हूं कि जो लोग राष्ट्रहित के सामने निजी हित को आगे रख रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने लगाए ये आरोप। बता दें कि एक दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्रीय मंत्री के बेटे के साथ लेन देन की चर्चा करने वाले व्यक्ति का वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में व्यक्ति दावा कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चल रहे वीडियो में देवेंद्र तोमर से जो व्यक्ति बातचीत कर रहा है वो मैं ही हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि सत्य का पता लगाना एजेंसी का काम है, अब सरकार को किस बात का इंतजार है। इन लोगों ने कनाडा में 100 एकड़ की बेनामी जमीन खरीदी है, इसके छींटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच रहे हैं। गांजे की खेती में तोमर परिवार लिप्त है, ये सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स का मामला है। गांजे की खेती में तोमर परिवार पैसा लगाना चाह रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। कांग्रेस द्वारा जारी किए गए वीडियो में शख्स ने कहा, मेरा नाम जगमंदीन सिंह है, मैं कनाडा के एबिस्कॉर्ड में रहता हूं। एक वीडियो वायरल हो रही है, ये वीडियो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का है। उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है, उसमें जो बात है वो सही है। वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे के लेन देन को लेकर हुआ है। ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इस वीडियो को लेकर सुप्रिया ने कहा कि ये मामला सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स का है। सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा कराया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।